अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है सुबह का टाइम, हम सब ने नाश्ता कर लिया। अब मैं सोची क्यों ना किचन की सफाई कर लेती हूँ, तो अब मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर लूँगी और किचन की सफाई के साथ साथ मैं अब बर्तन भी वाश करूँगी। तो कुछ मैंने बर्तन पहले से वाश कर लिया, अब मैं यहाँ पर पतीली वाश कर रही हूँ। पतीली हमारी काली हो गई थी तो मैं इसे अच्छी तरह धो रही हूँ। मैंने यहाँ पे दूध की पतीली को तो अच्छी तरह धो ली, अब मैं चाय की पतीली को धोऊंगी। और हमारे यहाँ गैस तो आती नहीं है हमें, क्योंकि हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इस वजह से और काली होगी। अब मैं इसे अच्छे से तरह वाश कर रही हूँ और इसे चूना से रगड़ रगड़ कर मैं धो रही हूँ इसे, ताकि ये अच्छी तरह साफ हो जाए। और स्टील की पतीली इतनी अच्छी होती है कि आप जितना भी पकाएं, बस उसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप उसे अच्छी तरह रगड़े और धोएं तो अच्छी तरह साफ भी हो जाएगी और चमक भी जाएगी पतीली। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वाश कर लिया, मैंने पतीली को भी अच्छी तरह धो लिया, दूध की पतीली, चाय की पतीली वाश कर ली। अब मैं यहाँ पे किचन की कुछ सफाई कर लूँगी। जब मैंने सारे बर्तन वाश कर लिया तो मैं सोची कि अब टाइलों को भी अच्छी तरह साफ कर लूँ, तो मैंने टाइलों को भी अच्छी तरह साफ कर लिया। यहाँ स्टोव की भी अच्छी तरह सफाई कर ली, क्योंकि इससे भी सफाई करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने किचन की अच्छी तरह सफाई करी। मैंने सोचा कि आज डिनर में क्या बनाऊँ, मैंने सोचा क्यों ना आज चने आलू का सालन बना लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने हाफ कप तेल ऐड कर दिया, जब वो गर्म हो गया तो मैं इसमें एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज ऐड कर, और इसी के साथ मैंने खड़े मसाले भी ऐड कर दिए, और इसी दौरान अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया। यहाँ पे चने को मैंने ग्राइंड कर लिया और दो आलू को टुकड़ों में काट लिया। यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह भून लिया, इसमें मैंने नॉर्मल मसाले भी ऐड कर दिए, जैसे आधे चम्मच पिसी मिर्च, आधे चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया और आधे चम्मच जीरा है, और आधे चम्मच चाट मसाला, और तीन टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। जब मैंने मसालों को अच्छी तरह भून लिया, अब भुनने के बाद मैं इसमें आलू ऐड करती हूँ। अब भुनने के बाद कुछ देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी। जब ये हाफ आलू गल जाएंगे तो मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी, और चने भी मेरे 80% गले हुए हैं, तो यहाँ पे मैं चने को भी ऐड कर दी इसमें, और डाल के इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि ये आलू और मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चने और आलू को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दी, ताकि आलू और चने अच्छी तरह गल जाए। मेरा सालन हमारा तैयार होने पे आ गया, तो मैं इसमें पिसे हुए चने ऐड कर दी। अब पिसे हुए चने डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया, और ये डालने से चनों के सालन में थिक सी ग्रेवी बनेगी। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर दी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, मुझे इसमें नमक कम लगा तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया, और मैं इसमें आधे चम्मच नमक ऐड कर दिया, और कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड कर दिया। अब इन सबको डाल के मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ, और चलाने के बाद कुछ देर के लिए मैं कवर करती। तो यहाँ पे हमारे आलू और चनों का सालन तैयार है, तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी, और सालन के आखिर में आप थोड़ा सा भी गरम मसाला ऐड करें, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आप आलू और चने को दोनों को मैश करके डालेंगे, जैसे आलू बॉईल करके और चने को बॉईल करके मैश करके डालेंगे, इससे तो और भी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे हमारे चने और आलू का सालन तैयार है, तो मैं इसमें धनिया पत्ता और हरी मिर्च से गार्निश कर दूँगी। यहाँ पर मैंने आलू और चने का सालन तैयार कर दिया, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी तरीके से ये आलू चने का सालन बनाएंगे तो आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आइए नेक्स्ट डे की सुबह मैंने बर्तन वॉश कर लिया, यहाँ पे मैंने सिंक की भी अच्छी तरह सफाई कर ली, किचन के साथ साथ मैं काउंटर को भी अच्छी तरह साफ कर लूँगी, और स्टोव की भी अच्छी तरह सफाई कर लूँगी। जब मेरे किचन के सारे काम हो गए तो मैं कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने सोचा क्यों ना अपने कपड़े की मैं कटिंग कर लेती हूँ। 2 दिन पहले मैं मार्केट गई थी तो मुझे इसका ट्रेंड बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे ले लिया, और कल मैं इसे शीलिंग कर ली और आज मैं कटिंग करूँगी, और इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी बहुत अच्छी है, तो आज मैं इसे कटिंग कर लूँगी और कल मैं इसे सिलाई करूँगी, और जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कपड़े सिलाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक और शोल्डर और बाजू की भी अच्छी तरह कटिंग कर करके और रख दूँगी। इस ड्रेस को मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको रेडी करके दिखाऊंगी। और ये है रात का टाइम, तो यहाँ पे मैं तंदूरी चिकन बना रही हूँ। एक चूल्हे पे मैंने तंदूरी चिकन भी चढ़ा दिया, और दूसरी तरफ मैं पराठे बना रही हूँ। जब मैं पराठे बना लूँगी तो मैं अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी। अगर हमारी आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें,
जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।